अबू भैया चढ़ चुका है अंकिता लोखंडे पे। और वहां पर विक्की तो इतना ज्यादा चढ़ के बाबू भैया के ऊपर नहीं आया, पर नील फट गया एक बार फिर से। नील को लगा कि शायद मेरी पत्नी के साथ इसने बहस कर दी है, पर नील जो है ना थोड़ी इमोशंस में जो है ना बह जाता है, वो दिखाई दी है। अब जैसे कि ऐश्वर्या और अंकिता किचन में खड़े होकर चॉपिंग कर रहे थे, बिग बॉस ने दंड दे दिया है। अब दंड दिया तो सब लोगों को भुगतना पड़ेगा, दंड डेफिनेटली सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इन लोगों ने सल्यूशन भी निकाला था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, पर अभी 10 मिनट कम भी कर दिए। अब अंकिता का कहना ये है कि भाई हमें पता थोड़ी ना था कि बिग बॉस ऐसा कर देंगे कि पहले चॉपिंग नहीं करनी या किचन के अंदर नहीं खड़े रहना। पर बाबू भैया का कहना ये है कि तुमने किया ही क्यों, तुम्हें करना नहीं चाहिए था। ये मुद्दा लेके जो है काफी ज्यादा बहस बसैया चल रहा है। पर बाबू भैया जो है जब भी कोई मुद्दा पकड़ते हैं, कोई ऐसा मुद्दा पकड़ते हैं जिसका बेस नहीं होता, वो बेसलेस बातें होती हैं। सही बात है, किसी को थोड़ी ना पता था कि भाई आप चॉपिंग किचन के अंदर जाके नहीं कर सकते हो। बाद में सब चीजें याद आती है। अब बिग बॉस ने ये चीजें तो बाद में बोली थी, पहले बोली थी कि किचन में कोई नहीं रहेगा, जब गैस सप्लाई आएगी तब भी आप अपना खाना बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट, खाना बना सकते हैं, अभी आपको चॉपिंग भी नहीं करनी है, ये सब चीजें तो बिग बॉस ने नहीं बोला ना। अभी बिग बॉस जो है अपनी बायस चीजें दिखा रहे हैं, बिग बॉस अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, बिग बॉस जो है इन कंटेस्टेंट के साथ पावर लेके जो है खुद ही खेले जा रही हैं। तो बाबू भैया के ऊपर जो है नील भी फट गया और अंकिता और बाबू भैया की भी घमासान लड़ाई हुई है। पर यहाँ पर आप लोग बताइए कि भाई कौन सही कौन गलत, या तो आप ये बोलना चाहेंगे कि भाई ये तो मुद्दा ही बकवास है, बिग बॉस ही गलत है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।